पता नहीं हो बर्नआउट लग रहे हैं। बैक फायर देखो ओ हो के साथ थोड़े मजे लेते हैं और घर पहुंचते फटाफट। मजे ले लो पूरे पूरे। अरे अरे पूरे पूरे लेने भाई, दो महीने बाद बाइक निकाल लिया। मजे पूरे मजे लेने वाली चीज है। अरे मतलब बाइक से लेने पड़ते यार ये। हेलो ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। इसने जितना ये बोला है ना, इसने जितना ये बोला सब झूठ बोला है। What's up guys, welcome back to the channel and welcome back to the another vlog. तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड, फिट एंड फाइन, जस्ट लाइक मी। ऑलवेज फिट रहता है आपका भाई। तो भाई आज चलते हैं हम अम्मूबाजी के घर, अम्मूबाजी से मिलने। और वहां पे एक नया शोरूम ओपन हुआ है, बता दूं कौन सी कंपनी का? बता दूं? चलो यार आपको चलते चलते बताता हूँ कौन सी कंपनी का शोरूम नया ओपन हुआ है। वहां से इन्विटेशन आया था, पाजी का फोन आया था मेरे पास। पाजी कह रहे नया शोरूम ओपन हुआ है, आप आओ मिलो देखो, आपको बाइक पसंद आती है तो और बढ़िया सा व्लॉग बनाओ हमारे साथ भी। चलो ठीक है भाजी, आते हैं आपके पास, मिलते हैं तो बात करते हैं। और भाई आज वेदर बहुत अमेजिंग है। बाहर चलते हैं, बाइक बाहर निकालते हैं फटाफट और मैं मिलता हूँ आपको सीधा बाइक। तो हाय गाइस, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुई है। लास्ट टाइम मैं गया था बेनेली के शोरूम अम्मूबाजी के घर पे, उनसे मिलने, नए शोरूम की ओपनिंग थी, बहुत मजा आया था। वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी बट GoPro में यार आवाज ही नहीं आई यार, पूरा मूड खराब हो गया भाई, पूरा मूड खराब हो गया। एंड लिटरली बताऊं उसके बाद नेक्स्ट डे हम संडे राइड पे गए थे करनाल, वहां पे भी भाई आवाज नहीं आई और इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी यार, मन ही नहीं कर रहा था। मतलब अब घर आगे पहुंचा मुझे लगा बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आज ही एडिट करते हैं अपलोड कर देते हैं कल को, बट बहुत ही यार मूड खराब हो गया यार। आप वीडियो एंजॉय करो, मैं हल्का सा आपको पीछे से लिपसिंग दूंगा कि मैंने क्या बोला था, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। वॉइस नहीं है अपना, बाइक की साउंड नहीं है, बट आप मेरी बातों को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस टाइम पे, प्लीज गाइस। सो गाइस अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, बाइक मैंने साइड में रोकी थी, स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, पर ये छोटे छोटे से बच्चे मेरे को दिख गए थे तो मैंने इनको कहा चलो एक बार इनसे रेव करवाते हैं। इसको कहा मैंने इधर आ भाई रेव कर, बट इसने भाई इतनी ज़्यादा रेव कर दी एक ही बारी में, पहले हल्की सी करी डर गया ये देखो और भाई अब इसके बाद इतनी ज़्यादा रेव, अब पूरा थ्रॉटल घुमा दिया इसने, पूरा थ्रॉटल देखो रेड लाइन तक हो गया था। मैंने कहा भाई ज़्यादा हो गया। उसके बाद हमने कहा सबको टाटा बाय बाय, तो हम चल दिए अम्मूबाजी के पास और बेनेली के शोरूम। तो भाई चलते हैं फटाफट। और यार वॉइस आपको पता है मैं पीछे से लिपसिंग कर रहा हूँ तो प्लीज माइंड मत करना, सुपर बाइक की आवाज नहीं है, तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस। चलो चलते हैं सीधा अम्मूबाजी के घर पे। तो भाई थोड़ा सा आगे आते ही मैं यहाँ से ले रहा था लेफ्ट, लेफ्ट में जैसे ही मैं आगे गया मैंने देखा कि भाई इतना ज्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था भाई। ये ऑलमोस्ट यहाँ से लेके अक्षरधाम का फ्लाईओवर जहाँ नीचे उतरते हैं वहाँ तक जाम था। वहाँ से मैंने लेफ्ट लिया NH24 के लिए, बहुत ज़्यादा जाम था भाई। इस जाम को मैंने क्लियर करा धीरे धीरे करके और उसके बाद सीधा NH24 पे गया मैं। सो भाई यहाँ से मैंने लिया लेफ्ट, ये रास्ता जाता है गाज़ियाबाद, मेरठ और अपना एलिवेटेड रोड जहाँ से अम्मूबाजी का घर आता है। बहुत जाम था यार, इतना ज़्यादा जाम था कि इवन हाथ में भी दर्द हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ अपना हाथ देखो एकदम लाल हो गया था हाथ, ये देखो गाइस। तो भाई बहुत ही ज़्यादा जाम था, बट यहाँ से निकलने के बाद मैं जल्दी जल्दी फटाफट पहुँचा एलिवेटेड रोड। उसके बाद सीधा, बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आया था। चलो हम चलते हैं, अब सीधा मिलता हूँ अम्मूबाजी के घर पे आपको। तो भाई मैं फ़िलहाल पहुँच गया था अम्मूबाजी के घर, अम्मूबाजी ने बाइक स्टार्ट करी हुई थी, लेफ्ट में रुके हुए थे। मैंने कहा पाजी आपका कुछ नहीं हो सकता, पाजी ने 2 महीने बाद अपनी बाइक निकाली थी, ये पहले अपनी बाइक बेच रहे थे, कह रहे थे कि यार मुझे अब कुछ और लेना है, बट अब कह रहे नहीं यार मेरा मूड चेंज हो गया तो अब मैं कुछ और नहीं ले रहा, यही चलाएंगे। इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको इसकी आगे बैकफायर दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं प्रितपाल बाजी के पास बेनेली के नए शोरूम पे जो मैंने आपको बताया था वीडियो में। बाजी जो खींचते हैं ना भाई, अल्टीमेट। बाजी की वीडियो मैं डाल दूंगा इस वीडियो में,
ऑल दो पुरानी विली है बट देखना यार अल्टीमेट विली मारते हैं, नीचे ही नहीं आती अब तो बाजी की बाइक। एंड पाजी से मिलवाऊंगा आपको, सही बता रहा हूँ, पाजी ने Z900 बुक कराई थी मैंने जब पहले सबसे पहले बार टेनआर ली थी 2019 में, तब मैंने पाजी को कहा था, मैंने कहा पाजी आप टेनआर लो आपके ऊपर Z900 क्या ही अच्छी लगेगी, तो तब पाजी ने ली थी 10R और स्पेशल एग्जॉस्ट लगवाया था, एरो का स्लिप ऑन है क्योंकि यार टाइटेनियम के हेडर हैं तो फुल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, स्लिप ऑन में ही इतनी ज़्यादा बैकफायर है ना इसकी बता नहीं सकता, और टू मच लाउड बाजी तो बहुत ही अल्टीमेट है। चलो भाई चलो चलते हैं, सीधा चलते हैं शोरूम में। गाइस फाइनली आई रीच बेनेली के शोरूम, बहुत ही अमेजिंग शोरूम है ये रहा शोरूम में, अंदर चल के मैं आपको भी दिखाता हूँ। पाजी अभी मिले हैं, पाजी ने इतने 2 महीने बाद बाइक निकाली भाई। हाँ यार, बहुत टाइम बाद। पाजी ऐसा क्यों यार? बस यार अब बिजी इतने हो गए हैं, एवरीबॉडी पर्सनल आपको पता ही है ना। हाँ ये लाइफ में क्या यार, देखो बहुत चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में, पहले जैसा माहौल नहीं है बट धीरे धीरे करके आएगा अपना टाइम, आएगा रूटीन में वापस आएंगे। हाँ भाजी, और जब आएंगे तो फिर आपको पता ही है एक एक टायर पे एक एक किलोमीटर। भाजी आज आपकी बैक फाइट दिखानी है हमने आपकी बाइक की, दिखाते हैं अभी। चलो भाई थोड़ी नॉइस आ रही होगी पीछे से, बाइक खड़ी कहाँ पर है मेरी भाई? ये मेरी वाली है, ये अम्मो भाजी की है, गोल्डन अलॉयज, बहुत ही अमेजिंग बाइक है। भाजी ने एरो का एग्जॉस्ट लगवा रखा है, वन एंड ओनली वन इन इंडिया, मैंने तो इंडिया नहीं कह सकता यार, दिल्ली कह सकता हूँ मैं, दिल्ली में मैंने किसी का भी नहीं देखा, इतनी जबरदस्त फ्लेम, बहुत ही जबरदस्त जीपी एडिशन है भाजी। आवाज अब खींचते हैं ना उसको भाई, खींचते हर गियर पे बैक फायर आती है, बुम। तो भाई अभी चलते हुए दिखाएंगे आपको बैक फायर, अभी फिलहाल चलते हैं अंदर, प्रितपाल भाजी ने बुलाया था, उनका नए शोरूम की ओपनिंग थी तो उनसे मिलते हैं, दो बात करते हैं। बड़े दिग्गज खड़े हैं हाँ, ये देखो बहुत, ये जूम इन करो, जूम इन जूम इन, हेलो, ये देखो ये रे। चलो भाई चलते हैं फटाफट अंदर, बहुत बड़े दिख गए हैं। चलो फाइनली बेनेली के शोरूम पे आ चुके हैं, पाजी से मिल चुके हैं और पाजी ने अच्छा सा हमें डिनर करा दिया है, पेट पूजा पूरी हो चुकी है। तो पाजी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत ही अच्छा शोरूम था, बहुत ही अमेजिंग है यार, देखो मैंने सिनेमैटिक शॉट लिए बाइक के, वो भी आपको दिखा। हमारा खैर टेस्ट अलग है, हम इस टेस्ट से डेवलप नहीं कर सकते, क्यों भाजी? ये ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। भाजी एक बार और, कोई डिनर नहीं हुआ सभी बेस्ट भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो डिनर करा था, इन्होंने नहीं करा। अरे भाई अपना चाप का टेस्ट नहीं है, चाप वाला टेस्ट नहीं था, ये कुश्ती में वाला टेस्ट था, चाप वाला टेस्ट तो घूम रहे थे प्याज खाने। चलो छोड़ो यार, जैसा भी टेस्ट था हमने खा लिया, वो मजा आ गया भाई। अब एक फ्लाई बाय दिखाना है हाँ, और बैक फायर भी दिखानी है, बैक फायर अभी हो जाएगी। तो भाई चलते हैं फटाफट यहाँ से अपने घर, बहुत टाइम हो गया है,
ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं, पहुंचते पहुंचते एक घंटा लगेगा, तो घर पहुंचते हैं, पाजी के साथ बड़े मजे लेते हैं और घर पहुंचते फटाफट मजे ले लो पूरे पूरे। अरे अरे पूरे पूरे लेने भाई, 2 महीने बाद बाइक निकाली, मजे पूरे मजे लेने वाली चीज। अरे मतलब बाइक से लेना यार, ये नहीं मानते भाई, इनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। हम चल रहे हैं फिलहाल घर पाजी को लेके, चलो भाई चलो फटाफट, चलो घर जाने का टाइम हो गया। पाजी ने बाइक स्टार्ट कर दी है, बैक फायर दिखा दो मैं। पाजी यार आपने भाई क्या बैकफायर दिखा दी यार, मज़ा आ गया भाई। ये अफीम है, ये एग्जॉस्ट अफीम है भाई, अफीम है। पाजी हम संडे को जा रहे हैं राइड पे पंजाब। पाजी यार नहीं बताना, नहीं ना कहाँ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। चलो आपने बता दिया तो मैंने बोला था कमेंट डाउन मिलो भाई, हम पंजाब जा रहे हैं। रास्ते में फुल मस्ती होगी, ये टर्न आर एक 6R होगी पाजी की, मज़े पूरे लगाते हुए जाएंगे। तो भाई चलते हैं फिलहाल घर, बहुत हो रहे हैं हल्ले। तो भाई अम्मू पाजी के घर से आ गया था मैं NH24 में, हमें मिल गया हमारा भाई। हेलो, आए फिर आज क्या गंदी गंद बना करना आज, छुट्टी का दिन है, रिलैक्स करेंगे। तो भाई देखो 2 टर्न आर अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा, क्या लग रही है यार। इसमें रेस वेट लगा हुआ है और उसमें जरा रेव करके तो दिखा दो, करियो करियो बैक फायर देखो। चलो भाई चलो फटाफट। तो भाई मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ अब घर, तरन जाएगा शायद अम्मू बाजी के घर, पता नहीं। ओहो बर्नआउट लग रहे हैं, सही है भाई। भाई क्या अल्टीमेट मंगाई थी हम दोनों ने यार, मजा ही आ गया। चलो ठीक है भाई, वो जा रहा अपने घर, मैं जा रहा हूँ अपने घर, बाय बाय। जैसे ये मैंने अभी वीडियो एडिट कर दी है और ये आएगा लास्ट में, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई हैव अ गोल टू रीच 5000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। प्लीज help us, help me to reach 5000 subscriber guys. I hope you like this video. Till then bye bye, take care, shukriya. Aur bhai next time ek video aur aayegi jisme main lip sync karunga, zyada nahi hai thodi bahut hi hai but usme aapko maza bahut aayega. Willy hai, hum log karnal gaye the ride pe, bahut hi maza aayega aapko dekh ke, main beech mein chal raha hu, dono side se Willy ja rahi hai, bahut hi maza aayega aapko video dekhne mein. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया एंड बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आईडी आ रही है यही anush.goyals, ऐसी अमेजिंग राइड देखने के लिए और हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं कुछ जो भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम पे anush.goyals। बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू गाइज।